वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। काफ़ी पेरेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि स्कूल ओपन हो गया है, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। स्कूल में तो काफ़ी कुछ पढ़ाया जा रहा है बट वो पेंसिल भी नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। तो कहीं वो बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें डांटते हैं, इनफैक्ट मारते भी हैं, तब भी वो नहीं लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी स्टॉप करें, बिल्कुल ही स्टॉप करें, और समझिए कि बच्चे लिखना कैसे सीखते हैं। बच्चे लिखना सीधे अल्फ़ाबेट लिखना नहीं सीखते हैं, ना वो सीख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया है। तो सबसे पहले ज़रूरी है उन्हें आप पेन, पेंसिल, क्रेयॉन्स, ये सारी चीज़ों को होल्ड करना सिखाएं। बच्चों के हाथ में कितनी ही ताकत होती है, और ख़ासकर जब वो इस चुटकी से किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो यहाँ पर काफ़ी दर्द होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना सिखाएं, क्योंकि पेंसिल और क्रेयॉन्स उनके लिए ऑब्जेक्ट ही है। अभी वो कोई बहुत ज़्यादा साइंस, मैथ्स ये सब तो नहीं पढ़ने वाले हैं। बेसिक उन्हें होल्ड करना सीखना है, उनके हैंड का मोशन सीखना है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन सीखना है, उसके बाद ही हम राइटिंग पे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बच्चों को राइटिंग सिखाने से पहले आप बच्चों के लिए स्लेट लें, पेंसिल लें, इस तरह के क्रेयॉन्स लें, इस तरह के कलरफुल जो पेंसिल आते हैं वो सारी चीज़ें लें, और बच्चों को स्क्रिबल करना सिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप देख सकते हैं ये स्क्रिबल किया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो में भी करके दिखा रही हूँ कि बच्चे जब किसी पेन या पेंसिल से पूरा इस तरह से घसते हैं तो उनका एक्चुअली हैंड का जो मूवमेंट है वो सीखते हैं, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन लर्न करते हैं, पेंसिल को होल्ड करना सीखते हैं, पेंसिल को मूव करना सीखते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले स्क्रिबलिंग सिखाएं। स्क्रिबलिंग सिखाने के लिए आप कोई भी पेन, पेंसिल, क्रेयॉन दे दो, एक खाली कॉपी दे दो, बच्चों को जी भर के उसमें आप जो वो करना चाहे करने दो। इसके अलावा आप इस तरह की बोर्ड ज़रूर लें। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, मैं यहाँ बोर्ड पे स्क्रिबल करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ के लिए भी आप बच्चों को लिए कलरफुल चॉक्स ले लें और बच्चों को जी भर के स्क्रिबल करने दें, बिकॉज जितना ज़्यादा वो स्क्रिबल करेंगे उतना ज़्यादा उनका हैंड का मोशन फ्री होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं मैं फ्लोर पर पूरा स्क्रिबल कर रही हूँ। तो इस तरह की चॉक्स आती है उसका यूज़ करें और बच्चों को फ्लोर पे जी भर के स्क्रिबल करने दें, क्योंकि क्लीन करना काफ़ी आसान है। तो अभी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को हम स्क्रिबल करना सिखाएं, उनका इंटरेस्ट जगाएं। आप नोटिस भी करते होंगे बच्चों को कितना भी आप स्क्रिबल करने के लिए कॉपी दो, पेन दो, लेकिन वो फाइनली वॉल पे जाके स्क्रिबल करते हैं। तो वो एक तरह से उनकी लर्निंग हो रही होती है, ऐसा नहीं वो बदमाशी कर रहे होते हैं, उनकी लर्निंग हो रही होती है। इसी तरह वो लर्न करते हैं, वो जब स्क्रिबल करते हैं तो उनकी कलाई घूमती है, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनता है, उनकी हैंड मूवमेंट बनती है, इसके बाद ही उनकी हैंड फ्री होती है, तब जाके वो एक पैटर्न ड्रॉ करना, सर्किल ड्रॉ करना, ये चीज़ें सीख पाते हैं। तो सबसे पहले मेरी सलाह यही होगी कि बच्चों को स्क्रिबलिंग सिखाएं। स्क्रिबलिंग सिखाने के लिए उनको ढेर सारा कलरफुल पेन, पेंसिल, इस तरह के जो आते हैं ये सारी चीज़ें दें। उन्हें आप इस तरह के जो कलरफुल क्रेयॉन्स होते हैं वो दें, साथ में बैठ के आप भी करें, बिकॉज जब आप साथ में बैठ के करेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट दुगुना हो जाएगा। तो बच्चों के साथ में बैठ के स्क्रिबल करें, उनके हैंड की मूवमेंट को फ्री करें, इसके बाद आप राइटिंग पे जाएं। तो पहले आप देखेंगे बच्चे कुछ इस तरह से स्क्रिबल करते हैं। बच्चों की स्क्रिबलिंग जो होती है पहले कुछ इस तरह से होती है, वो कुछ इस तरह से स्क्रिबल करते जाते हैं। तो वो भी सही है, किसी भी डायरेक्शन में करें, किसी भी पैटर्न करें, लेकिन अगर वो स्क्रिबल कर रहे हैं तो इट्स ऑलवेज गुड। जब बच्चे स्क्रिबल करना सीख जाएं, जी भर के स्क्रिबल करना सीख जाएं, तब आप उनको कुछ पैटर्न के लिए बता सकते हो। तो पैटर्न में जो सबसे पहला पैटर्न आप उनको बताओगे वो आप बताओगे स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन ऊपर से नीचे की तरफ हम ड्रॉ करते हैं। तो ये पहला पैटर्न बच्चों को आप सिखाएंगे। इसके लिए आप किसी भी क्रेयॉन्स का, पेन का, चॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को आप करके दिखाएं, वो भी आपको पीछे पीछे फॉलो करेंगे। तो इस तरह से बार बार ड्रॉ करके बच्चों को आप स्टैंडिंग लाइन सिखाओ। स्टैंडिंग लाइन जब बच्चे को सिखा देंगे, इसके बाद बच्चे को आप इस तरह से स्लीपिंग लाइन सिखाएंगे। अभी लाइन स्ट्रेट हो, टेढ़ी हो, इस पर फोकस नहीं करना, बस देखना है कि बच्चा डायरेक्शन फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हमें बच्चों को अभी स्लीपिंग लाइन सिखाना है, स्टैंडिंग लाइन सिखाना है, इसके बाद हम बच्चों को स्लीपिंग लाइन सिखाएंगे। बच्चे जब हमारे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सीख जाएंगे, इसके बाद हम उन्हें एक बहुत ही सिंपल सर्कल बनाना सिखाएंगे। ओ इस तरह से एंड टू एंड जोड़ के बच्चों को हम सर्कल बनाना सिखाएंगे। तो ये तीन चीज़ आपको सबसे पहले सिखाना है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और सर्किल। जब ये तीन चीज़ बच्चे सीख जाएंगे, इसके बाद आप डिफरेंट पैटर्न पे जाएंगे, पैटर्न सीखेंगे बच्चे, उसके बाद वो अल्फ़ाबेट बनाना सीखेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चों को एक ही बार में हम ए लिखना सिखाएंगे तो वो कभी नहीं होगा। तो बच्चे ने स्टैंडिंग लाइन सीख ली, स्लीपिंग लाइन सीख ली, तो अब उन्हें हम स्लैंट लाइन इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा ड्रॉ करना सिखाएंगे, इस डायरेक्शन में सिखाएंगे, इसके बाद इस तरह से डायरेक्शन में सिखाएंगे। तो बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप भी साथ में करेंगे तो वो इसे फॉलो भी करेंगे।
तो इस तरह से बच्चों को आप पैटर्न सिखाएंगे। जब बच्चे ये पैटर्न सीख जाएंगे, इसके बाद आप उन्हें इस तरह से कर्व सिखाएंगे। इस तरह से क्या होगा, बच्चे अपनी हैंड की मूवमेंट को कंट्रोल करना सीखेंगे। इसके बाद जब ये चीज़ें वो सीख जाएं, साल भर ये चीज़ें कराएं, इसके बाद आप अल्फ़ाबेट पे जाएं। अल्फ़ाबेट पे भी जब आप जाती हैं तो सबसे पहले बच्चों को ए लिखना बिल्कुल ना सिखाएं। शुरुआत करें स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से बनने वाले अल्फ़ाबेट के पे, जैसे एफ हो गया आपका, ई हो गया, एच हो गया, जहाँ पर सिंपल सिंपल लाइन का यूज़ हो रहा हो, या फिर ओ हो गया। तो शुरुआत आप इस तरह के अल्फ़ाबेट से करेंगे। जब बच्चे ये चीज़ें सीख जाएंगे, इसके बाद स्लैंट लाइन की हेल्प से हम उन्हें ए लिखना सिखाएंगे। दिक्कत क्या होती है कि हम शुरुआत करते हैं बच्चों को ए से, तो बच्चे बिल्कुल नहीं सीख पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। हम उन्हें पे डांटते हैं, उनको गुस्सा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब तक वो पैटर्न ड्रॉ करना नहीं सीखेंगे, पेंसिल होल्ड करना नहीं सीखेंगे, वो ए कैसे लिखेंगे। अगर आपको किचन में बोला जाए रोटी बनाने, कैसे आप बनाएंगे? जब तक आपको बेलन होल्ड करने नहीं आएगा, आपको लोई बनाने नहीं आएगा, आप रोटी कैसे बना सकते हैं? तो सेम चीज़ बच्चों की राइटिंग के साथ भी होती है, इसलिए बिल्कुल भी हड़बड़ाएं नहीं। अगर बच्चे को नहीं आता है कोई बात नहीं, आप उन्हें जी भर के पहले स्क्रिबलिंग सिखाएं। बच्चे जब स्क्रिबलिंग सीख जाएं, जी भर के करने लगे, उनका हैंड का मूवमेंट फ्री हो जाए, इसके बाद आप उन्हें पैटर्न सिखाओ, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सर्कल, हाफ सर्कल, स्लैंट लाइन, इसके बाद आप धीरे धीरे अल्फ़ाबेट पे जाओ। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रखना है, और आप यकीन माने बच्चे बहुत जल्द राइटिंग सीख जाएंगे। तो ये मेरा टेक है बच्चों को राइटिंग कैसे सिखाएं। अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।